खैर छोड़ो वो सब बातें, तुम्हें पता है क्या? हाँ हाँ कर रहे हैं, मैंने बताया नहीं, पहले ही पता है। अर्जुन के ससुराल वाले हैं ना, शादी में उसे मर्सिडीज गाड़ी दे रहे हैं। ये लो आ गई गाड़ी। हेलो बोलिए, क्या बात है? हाँ हाँ बोलिए ना, क्या 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 बोले जा रहे हैं आप? कैसे हुआ ये सब? अरे हमें पहले ही पता था कि आप लोगों की गाड़ी वाड़ी देने की क्षमता नहीं है, तो ये बात उसी वक्त क्यों नहीं क्लियर की आपने? हाँ नहीं, उस वक्त तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे आप मर्सिडीज गाड़ी देंगे, अचानक जुबान जो दे दिया आपने। और हमारी जुबान का क्या? नहीं बोलो बोलो, हमारी जुबान का क्या? कोई मोल नहीं है ना। ये जो सारे रिश्तेदारों को हमने बोल दिया कि मेरे छोटे बेटे के ससुराल वाले मर्सिडीज गाड़ी दे रहे हैं, या तो बैलगाड़ी का भी पता नहीं है। और आप लास्ट मोमेंट पर जाकर आप एक नया फॉर्मूला याद कर रहे हैं कि पॉकेट मार पैसे ले गए। हाँ ये क्या बोले जा रहे हैं आप? सुनिए, ये जो सारी ड्रामेबाजी आप कर रहे हैं ना, ये जो कहानियां फैंटेसी स्टोरी सुना रहे हैं, ये हमें सुनाने की जरूरत नहीं है। अरे क्या खाक यकीन करेंगे आपका? आपकी किसी भी बात पर यकीन करने की मुझे कोई वजह नहीं नजर आ रही। ये घटना घटी कल, पूरा दिन गुजर गया और अब जाके आप हमें ये बता रहे हैं। क्यों? नहीं नहीं कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बता देता हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि हम इनकार नहीं कर सकते। समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि एक भिखारी के घर से मैं अपनी बहू लेकर आ रहा हूं, तो मेरी मजबूरी यह है कि मैं इस वक्त शादी कैंसिल भी नहीं कर सकता। क्या कहूं और क्या कहूं और क्या सुनूं मैं? हाँ कुछ कहने सुनने को बाकी रह गया?